और ईमेल्स में बहुत ज़्यादा सवाल आ रहे हैं, उसमें से जो सवाल हमसे सबसे ज़्यादा पूछा जा रहा है वो ये है कि हम लोग दुबई आ रहे हैं घूमने के लिए, तो वहाँ पर आकर हम लोकल कैसे ट्रैवल करें, तो इसलिए हमने सोचा हम इसके ऊपर एक पूरा डिटेल वीडियो बनाएं। और आज की वीडियो में आपको बताएंगे कि पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन जैसे बस, मेट्रो, ट्राम, बोट में कैसे ट्रैवल करना है, क्या प्रोसीजर है। उसके अलावा वो लोग जो यहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन यूज़ करने में कंफर्टेबल नहीं है, वो टैक्सीज कैसे यूज़ कर सकते हैं, और साथ ही में जो लोग कार रेंट कर जाते हैं और ख़ुद से ड्राइव करना चाहते हैं, वो लोग यहाँ पे कार रेंट कैसे कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो, लेट्स गो। तो शुरुआत करते हैं दुबई मेट्रो से। दुबई मेट्रो रियल सेंस में दुबई पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन की लाइफलाइन है, क्योंकि ये दुबई की हर कोने को एक दूसरे से कनेक्ट करती है, और यहाँ के ज़्यादातर लोग ट्रैफिक से बचने के लिए दुबई मेट्रो ही यूज़ करते हैं। जब आप एयरपोर्ट पहुँचेंगे तो वहाँ के टर्मिनल 1 और टर्मिनल 3 के मेट्रो स्टेशन से आप मेट्रो पकड़ के अपने होटल तक भी पहुँच सकते हैं। दुबई में कोई भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करने के लिए आपको एक नॉल कार्ड खरीदना पड़ेगा, और ये कार्ड आप मेट्रो स्टेशन से ले सकते हैं। एज ए टूरिस्ट आप सिल्वर कार्ड खरीद सकते हैं, जिसमें आपको 25 दरम में 19 दरम बैलेंस मिलेगा, और जब आप वापस जा रहे होंगे तो आप ये कार्ड वापस कर देंगे तो आपको बचे हुए पैसे वापस मिल जाएंगे। और ये नॉल कार्ड आपको एंट्री और एग्जिट पॉइंट पे स्वाइप करना होगा। आपको मेट्रो यूज़ करते हुए ये ध्यान रखना है कि आपने नॉल कार्ड सही से स्वाइप किया है, या फिर आप गलती से किसी वुमेन और चिल्ड्रन वाले कोच में नहीं घुस गए हैं, या फिर आप गोल्ड क्लास केबिन में नहीं घुस गए हैं। अगर आप इनमें से कोई भी गलती करते हुए पकड़े जाते हैं तो आपको भारी भरकम फाइन देना पड़ेगा। और इस बात का भी ध्यान रखें कि भूल कर भी मेट्रो के अंदर खाए पिए नहीं, वरना इसका भी जुर्माना होता है, जो कि है 100 दरम। और अगर आपने इमरजेंसी बटन का मिसयूज़ किया तो उसके भी जुर्माना होता है, जो कि है 2000 दरम। दुबई मेट्रो की 3 लाइन्स हैं, रेड, ग्रीन और एक्सपो 2020। जब आप मेट्रो स्टेशन में घुसेंगे तो आपको मेट्रो गाइड मिल जाएगी, और आप उसको यूज़ करके पता लगा सकते हैं कि कौन सा मेट्रो स्टेशन किस लाइन पर है, और उसी हिसाब से आप अपना डिसीजन ले सकते हैं। अगर आपको ट्राम की सर्विसेज यूज़ करनी है तो आप DMCC और डमैक प्रॉपर्टीज़ के मेट्रो स्टेशन से उधर के वो सर्विसेज ले सकते हैं। रेड लाइन से ग्रीन लाइन जाने के लिए और ग्रीन से रेड जाने के लिए 2 स्टेशन हैं, बुर्जमान और यूनियन, जहां से आप इन दोनों लाइंस को एक्सचेंज कर सकते हैं। दुबई का पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन 7 जोन्स में डिवाइडेड है, तो अगर आप एक जोन में ट्रैवल करते हैं बस या मेट्रो के थ्रू तो आपको 3 दरम्स का चार्ज होता है। अगर आप 2 जोन्स में ट्रैवल करेंगे तो आपको 5 दरम, और अगर उससे ज़्यादा करेंगे तो आपको 7 दरम का चार्ज पड़ेगा। मेट्रो की टाइमिंग सैटरडे टू वेडनेसडे 5 AM से मिडनाइट तक होती है, थर्सडे को 1 AM तक होती है, और फ्राइडे को 10 AM से 1 AM तक होती है। तो अगर आप दुबई में आ रहे हैं एक्सपो के लिए या घूमने के लिए या किसी भी पर्पज़ के लिए, तो मेट्रो यूज़ करना सबसे बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि ये कॉस्ट इफेक्टिव है और फास्ट। अब बात करते हैं बस सर्विसेज की। दुबई की बस सर्विसेज मेट्रो की तरह ही वर्ल्ड क्लास है। यहाँ की बसेस लंबी लंबी और ऊंची ऊंची हैं, जिसमें बैठने का अपना ही एक अलग मज़ा है। बस सर्विसेज यूज़ करने के लिए आपके पास में नॉल कार्ड होना चाहिए, और मेक श्योर कि उसके अंदर में प्रॉपर बैलेंस है। इस बात का ध्यान रखें कि दुबई में कोई भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करने से पहले आपके नॉल कार्ड में एटलीस्ट 7.5 दरम होना चाहिए। बस में एंट्री करते ही अपना नॉल कार्ड याद से स्वाइप कर लें। दुबई की बसेस में विमेन, चिल्ड्रन, ओल्ड और डिसेबल्ड के लिए एक अलग सेक्शन होता है, तो अगर आप इन कैटेगरी में नहीं आते तो उस सेक्शन में ना जाएं। और अगर आप इस टाइम पे ट्रैवल कर रहे हैं तो सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करें। कई बार ऐसा होता है कि हम नॉल कार्ड स्वाइप करना भूल जाते हैं, या फिर हमने नॉल कार्ड स्वाइप किया और मशीन ने रीड नहीं किया, तो ऐसे केसेस में जब चेकर आता है तो चेक करने के बाद में आप पकड़े जाएंगे और आपको बहुत भारी भरकम फाइन देना पड़ेगा। तो नॉल कार्ड स्वाइप करते हुए इस बात का ध्यान रखें कि आपका बैलेंस कटा कि नहीं कटा। मेट्रो स्टेशन तक पहुंचने के लिए बस बेस्ट ऑप्शन है। जैसे दुबई मेट्रो में अनोखी बात यह है कि वो ड्राइवरलेस मेट्रो है, वैसे ही दुबई ट्राम की अनोखी बात यह है कि वो ग्राउंड बेस्ड इलेक्ट्रिक सप्लाई सिस्टम पर चलती है। दुबई ट्राम बहुत ही सेफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट ऑप्शन है, जो कि पाम मोनोरेल और दुबई मेट्रो को कनेक्ट करती है। तो अगर आपका होटल दुबई मरीना या फिर जुमेरा बीच रेजिडेंस वाले एरिया में है तो आप अपने आसपास घूमने के लिए ट्राम यूज़ कर सकते हैं। ट्राम की टाइमिंग्स सैटरडे टू थर्सडे 6 AM से 1 AM होती है, और फ्राइडे को 9 AM टू 1 AM। दुबई में ट्रैवल करने के लिए आप गूगल मैप्स यूज़ कर सकते हैं, जिसमें आपको बस, मेट्रो, ट्राम की सारी टाइमिंग्स और डेस्टिनेशन प्लानिंग सब मिल जाएगी। इसके अलावा आप गवर्नमेंट का ये सहेल ऐप भी यूज़ कर सकते हैं, जिसमें आप पॉइंट ए से पॉइंट बी जाने के लिए आपको क्या पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन के अवेलेबल ऑप्शन है वो दिख जाएंगे, और उनका क्या प्राइस है वो भी दिख जाएगा, और इसके हिसाब से आप अपना डिसीजन ले सकते हैं। ट्राम में ट्रैवल करने के लिए आपको सेम नॉल कार्ड ही यूज़ करना पड़ेगा, और हर जर्नी की कॉस्ट होती है 3 दरम। ट्राम के रूट पर 11 स्टेशन हैं, और दुबई मेट्रो के डमैक प्रॉपर्टीज़ और DMCC मेट्रो स्टेशन से उतर के आप ट्राम की सर्विसेज यूज़ कर सकते हैं। ट्राम के अंदर स्टैंडर्ड, विमेन एंड चिल्ड्रन और गोल्ड केबिन क्लास बने हुए हैं, तो अपनी कैटेगरी के हिसाब से ही ट्राम के अंदर बैठें।
तो आइए बात करते हैं बोट सर्विसेज की। दुबई के पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क में बोट्स भी अवेलेबल हैं, तो अगर आप दुबई मरीना या JBR साइट जाएंगे तो आपको RTA की ये वाटर टैक्सीज दिख जाएंगी। इन बोट्स को यूज़ करने के लिए आप वहाँ के एंट्री पॉइंट से टिकट्स परचेस कर सकते हैं या फिर अपना नॉल कार्ड भी यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आप दुबई में पहली बार आ रहे हैं और आपने अभी तक यहाँ की बोट ट्राई नहीं करी है तो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का ये वाला ऑप्शन ज़रूर ट्राई करें। दुबई में मरीन ट्रांसपोर्ट 3 तरीके का है, एक वाटर टैक्सी, दुबई फेरी और आबरा। तीनों के ही टाइमिंग्स और प्राइसेस डिफरेंट हैं जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तो आप RTA की वेबसाइट पर जाके या फिर सहेल ऐप से इसका मैप डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पर आपको इंडिविजुअल कैटेगरी की प्राइसेस और टाइमिंग दोनों दिख जाएंगी। आबरा के प्राइसेस 2 धरम से शुरू होते हैं और वाटर टैक्सी की 3 धरम से और फेरीज की 25 धरम से शुरू होते हैं। दुबई मरीना से आप वाटर टैक्सी, फेरी और आबरा तीनों का आनंद उठा सकते हैं, और आबरा के लिए आप दुबई मरीना के अलावा बर्द दुबई से डेरा और डेरा से बर्द दुबई जा सकते हैं। आइए बात करते हैं टैक्सी सर्विसेज की। दुबई एयरपोर्ट से बाहर निकलते ही आपको टैक्सी पिकअप स्टैंड पे टैक्सीज मिल जाएंगी। एयरपोर्ट टैक्सी का मीटर 25 धरम से शुरू होता है, तो अगर आपका होटल बर्द दुबई में है तो आपको अराउंड 50 से 55 धरम का कॉस्ट पड़ेगा। तो अगर आप 2 या 3 लोग हैं तो आपका काम 55 धरम में बन जाएगा, और इसी का ट्रैवल एजेंट्स 100 धरम चार्ज करते हैं पर पर्सन फॉर एयरपोर्ट ट्रांसफर्स। तो अगर आप समझदार हैं तो आप एयरपोर्ट ट्रांसफर्स को निकाल के अपना ओवरऑल कॉस्ट बचा सकते हैं। दुबई के टैक्सीज का मिनिमम फेयर 12 धरम है, जिसका मीटर 5 धरम दिन में और 5.5 धरम रात में शुरू होता है, और यहाँ पे सारी टैक्सीज 24 घंटे अवेलेबल होती हैं। टैक्सीज को बाहर जाके बुलाने के अलावा आप टैक्सी के दिए गए नंबर को कॉल करके टैक्सीज बुक कर सकते हैं। इसके अलावा इनके ऐप्स भी होते हैं, जैसे उबर और करीम के ऐप्स हैं, वैसे ही आप इनके ऐप्स को भी यूज़ करके भी टैक्सीज बुला सकते हैं। दुबई में उबर और करीम जैसे राइड शेयर ऐप बेस्ड कंपनीज हैं, आप इनकी भी टैक्सीज यूज़ कर सकते हैं। यह बात करते हैं रेंट कार सर्विसेज की। दुबई में आके काफी सारे टूरिस्ट यहाँ की लग्जरी कार्स और स्पोर्ट्स कार को रेंट करके अपना शौक पूरा करते हैं, क्योंकि यहाँ पर कार रेंट करना कंपेरेटिवली काफी चीप है। जैसे कुछ कंपनीज हैं जो आपको स्पोर्ट्स कार 500 दिरहम में भी दे सकते हैं, और इसलिए अगर आपके पास में बजट है लग्जरी कार अफोर्ड करने का तो दुबई में आके इस चीज़ का जरूर फायदा उठाएं। यहाँ पर ड्राइवर सीट लेफ्ट साइड में होती है, तो शुरुआत में आपको चलाने में थोड़ी दिक्कत आएगी। कार रेंट के लिए मैंडेटरी डॉक्यूमेंट है इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस, जिसे आप अपने होम कंट्री से ही बनाकर लेकर आएं। बट अगर आप US, UK जैसी कंट्रीज से हैं तो आपको इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस की जरूरत नहीं है। इसके अलावा कार रेंट का प्रोसीजर बहुत ही स्टैंडर्ड है, इसमें आपके क्रेडिट कार्ड पर एक डिपॉजिट चार्ज किया जाएगा, और अगर आप कोई लग्जरी कार या स्पोर्ट्स कार रेंट करते हैं तो ऑब्वियसली उसका डिपॉजिट लाखों में होगा। कार रेंट करने से पहले कार की अच्छे से जांच कर लें ताकि आपको बाद में कोई प्रॉब्लम ना आए। और गाइस, हमने एक वीडियो बनाया हुआ है टेस्ला रेंट करने के ऊपर, जिसमें हमने अपना पूरा एक्सपीरियंस शेयर किया है कार को रेंट करने से लेकर कार ड्राइव करने तक, और कैसे रास्ते में हमारी बैटरी 0% हो गई थी गाड़ी की। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी अभी तक तो इस वीडियो को ज़रूर देखें, इसका लिंक हम ऊपर दे देंगे। ड्राइव करते हुए मुझे पर्सनली उसका सबसे बेस्ट फीचर उसका एक्सीलरेशन लगा, क्योंकि ये 0 to 100 km/h सिर्फ 3.1 seconds में पहुंच जाती है। ऑलराइट गाइस, तो था आज का वीडियो। आई होप आपको वीडियो देख के मजा आया होगा और कुछ नई जानकारी मिलेगी दुबई लोकल ट्रैवल के बारे में। अगर ये वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें जो दुबई आने के लिए प्लान कर रहे हैं, ताकि उनकी भी हेल्प हो पाए। और अगर हमारी वीडियोस देखते आ रहे हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। और अगर हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो हम इस तरह की बहुत सारी वीडियोस बनाते रहते हैं, तो आप अगर दुबई आने का प्लान करें तो आप हमारी दुबई ट्रैवल गाइड करके जो प्लेलिस्ट है वो जाके देख सकते हैं। और अगर आपके कोई भी सवाल हैं तो वो आप हमसे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और हमारी पर्सनल लाइफ से जुड़े रहने के लिए आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। ऑल्सो हम वीज़ा और टूर्स की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, तो अगर आपकी कोई भी रिक्वायरमेंट है तो आप हमें इस ईमेल एड्रेस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अब मिलेंगे अगले वीडियो में। अंटिल देन टेक केयर, बाय।